इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ टॉपिक के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे DRDO द्वारा बनाए जाने वाले आर्चर UAV के बारे में बात करेंगे। आर्चर को लेकर हम सभी अवेयर हैं कि ये रुस्तम 1 का ही आर्म्ड वेरिएंट है, जो कि कैपेबल है मिसाइल्स को फायर करने में, म्यूनिशंस को ड्रॉप करने में। तो इस तरह के चार आर्चर का जो कंस्ट्रक्शन है वो कम्प्लीट कर लिया गया है, और यहाँ से जो वेपन की टेस्टिंग और ट्रायल है वो जल्दी आर्मी के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे, इंडियन आर्मी के द्वारा। तो एक लिमिटेड नंबर में जो आर्चर के मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए जो बिडिंग प्रोसेस है वो हाल ही में कंक्लूड किया गया है, और L1 प्रोसेस के अंतर्गत जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रॉब्ली BEL को दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो BEL है वो आर्चर को मैन्युफैक्चर करने जा रही है। अगर आर्चर के बारे में बात करते हैं तो एक शॉर्ट रेंज वेपनाइज्ड UAV है, यानी कि SR UAV है, जिसको स्पेशली ढाला गया है नियर रियल टाइम कंडीशन में ऑपरेट होने के लिए, हाई क्वालिटी इमेजरी को कलेक्ट करने के लिए, और जो सिग्नल इंटेलिजेंस है वो करके टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको बनाया गया है। ऑपरेटिंग ऑल्टीट्यूड की बात करोगे तो लगभग 22,000 फीट पे ऑपरेट हो सकता है। जहाँ तक एंड्योरेंस की बात है तो 12 आर की जो एंड्योरेंस है वो ये दे सकता है। रेंज की बात करोगे कन्वेंशनल और ऑटो टेक ऑफ करने में, तो यहाँ पर जो रेंज रहेगी वो 220 किलोमीटर के अराउंड रहेगी। तो ये एक अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म है रुस्तम 1 के ऊपर, जहाँ पर जो रुस्तम 1 के एवियोनिक्स है, आर्किटेक्चर है, उन सबको अपग्रेड किया गया है आर्चर की फॉर्म में। तो इसके जो फ्लाइट ट्रायल है वो लगभग कंप्लीट कर लिए गए हैं, जो वेपन ट्रायल है वो जल्द ही शुरू किए जाएंगे, और उनके लिए जो वेरिएंट है उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट कर ली गई है। तो इसके प्रोडक्शन को लेकर जो वेंडर का फाइनलाइजेशन है वो भी हो चुका है BEL के रूप में। तो जल्द ही ये जो प्लेटफॉर्म है वो आपको दिखेगा आर्मी के द्वारा ऑपरेट होते हुए। अगर आर्चर के पार्टनर्स की बात करते हो तो इसके जो एवियोनिक्स के मैन्युफैक्चरर हैं वो डेटा पैटर्न है, वर्मन एविएशन है, और अनंत टेक्नोलॉजी यहाँ पे पार्टनर हैं। वहीं पे जो BEL है वो प्राइम मैन्युफैक्चरर रहेगा। तो इस तरह के तकरीबन 100 के नंबर में जो आर्चर UAV हैं उनका जो ऑर्डर है वो आर्मी दे सकती है, अगर जो वेपन ट्रायल है वो सफल यहाँ से रहते हैं। तो यहीं पे हम बात कर लेते हैं ब्रह्मोस एयरोस्पेस लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे ब्रह्मोस एयरोस्पेस लिमिटेड के नए CMD अतुल डी ईरानी ने अभी करंट में चल रहे जो कंस्ट्रक्शन है एक नए फैसिलिटी का लखनऊ में, उसके बारे में मीडिया से इंटरेक्ट किया है, और यहाँ पे ये इन्फॉर्म किया गया है कि जो नई फैसिलिटी है वो 2024 के मिड तक तैयार हो जाएगी। जो कंस्ट्रक्शन है वो फुल स्विंग में है, और एक बार ये जो फैसिलिटी है वो तैयार हो जाती है तो इसके पास ये क्षमता होगी कि ये 80-100 के नंबर में जो ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं उनको ये मैन्युफैक्चर कर सके। तो ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट पोटेंशियल को देखते हुए जो नई फैसिलिटी है वो डाली गई है। हम सभी अवेयर कि कई सारी कंट्रियों ने इसमें जो इंटरेस्ट है वो दिखाया है, और लगभग 110 स्टॉल पे एग्जीबिशन में ब्रह्मोस को डिस्प्ले किया जा चुका है। तो अभी इनिशियली जो फैसिलिटी होगी वो ब्रह्मोस को मैन्युफैक्चर करेगी, लेकिन आगे चल के जो आपके ब्रह्मोस NG हैं और जो सबमरीन लॉन्च ब्रह्मोस होंगे उनके लिए डेडिकेट इसको किया जाएगा। तो यहाँ पर लगभग जो एम्प्लॉयमेंट है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 500 इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को मिलने वाला है, और 5,000 से ऊपर जो लोग हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी है जॉब को लेके वो ये क्रिएट कर रहा है। तो यहीं पे हम बात कर लेते हैं HAMRL द्वारा डेवलप किए गए 81mm एंटी थर्मल और एंटी लेजर स्मोक ग्रेनेड के बारे में, जो कि HAMRL ने डेवलप किया है इंडियन आर्मी के लिए, और इसका जो इंटीग्रेशन है CVRDE के द्वारा इंडियन आर्मी के आर्मर्ड व्हीकल्स पे वो शुरू कर दिया गया है। तो स्पेशली इसको बनाया गया है थर्मल इमेजिंग साइट को डिफीट करने के लिए, और जो भी लेजर इक्विपमेंट है एनमी के टैंक पे उनको डिफीट करने के लिए, अगर वो आपके ऊपर टारगेट कर रहे हैं। तो बेसिकली जो स्मोक स्क्रीन है वो ऑब्स्क्योर करेगा विजुअल्स और IR रीजन को, जो कि EM स्पेक्ट्रम में 0.4 से लेके 14 के बीच में वेरी करेगा, और यहाँ पे जो आपको टाइमिंग है ऑब्स्क्योर करने के बाद वो 20 सेकंड की मिल जाएगी, और उसमें आप अपने व्हीकल को लाइन ऑफ साइट से अलग कर सकते हो। तो टेक्निकली जो एक तरह का डेकोय है उसके रूप में स्मोक ग्रेनेड काम करते हैं। इनिशियली जो इंटीग्रेशन है वो आपके सभी BMP पे किया जाएगा, और फिर जो आपके बैटल टैंक्स हैं वहाँ पर जो इंटीग्रेशन है इंडिजिनस 81mm स्मोक ग्रेनेड का वो किया जाएगा। तो इसको लेकर जो टेस्टिंग है वो पूरी एफिकेसी के साथ कंडक्ट किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा, हर तरह के टेम्परेचर में -15 डिग्री से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस में, और रिजल्ट में ये पाया गया यहाँ पे स्मोक ग्रेनेड ने हर तरह के पैरामीटर को मेट किया है जो आर्मी की रिक्वायरमेंट थी। तो जो इंटीग्रेशन है वो अर्जुन टैंक T-90 T-72 और जब क्या ये BMP-2 हैं उन सब पे होने जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।